फ्रेंड्स, मैं पवन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब की एक नई वीडियो में। देखिए, हमारे पास में ये है एक घड़ी जिसका शायद नाम है T800 अल्ट्रा, कहीं और भी, हाँ यहाँ लिखा हुआ, देखिए आप पढ़िए ध्यान से, T800 अल्ट्रा ये घड़ी है। और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब कि देखने में तो लगेगी बिल्कुल एप्पल जैसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये एप्पल वॉच है, ठीक है। तो इसकी प्राइस लगभग 500 लास्ट 600 तक आपको मिल जाएगी। इस घड़ी को मैंने मंगाया है, इसकी अनबॉक्सिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.99 इनफाइनाइट डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है इनफाइनाइट है, ऐसा इनका क्लेम है। मैं इस घड़ी को यूज़ किया हूँ, लगभग 2 दिन यूज़ किया, और ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर देते हैं इसको, और इसका एक ऐप है, ऐप भी इसका है हाई अल्ट्रा प्रो करके, अगर उसको आप लोड कर लेते हैं तो इसकी बैटरी लगभग आधे दिन में ही दिक्कत में पड़ जाती है, मतलब ज़्यादा नहीं चलती, ये बात कुल मिला जुला क्या। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स तो कर ही चुके हैं, बस बताना है कि ये घड़ी कैसी है चलने में। तो इस घड़ी को मैंने रिटर्न लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये घड़ी बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब है, ये पहले ही मैं बता रहा हूँ। देखिए, बेल्ट की क्वालिटी तो ऐसे देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बट होता क्या, जब मैं पहनता हूँ तो ये यहाँ से जैसे है ना, ये इधर से इधर ऐसे निकल जाता, देख रहे हैं ना आप, ऐसे निकल जाता है ये बार बार, जब इसे आप पहनेंगे तो ये बार बार इधर से, देखिए इधर से नहीं निकलेगा, लेकिन इधर से आ करके इधर से ये निकल जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे कई बार फेस हुआ है, बाकी बेल्ट यहाँ पर सही है, मतलब निकलता नहीं, ये चीज़ तो है। इसके अलावा चार्जिंग जो है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस घड़ी में देखिए, एक दिन मैं बारिश में गया था इसको लेकर के, और यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो इसमें पानी जा चुका है, यहाँ पर साइड में वाटर आपको मिलेगा, इसके अंदर में पानी है, देख रहे आपको यहाँ पर मैंसन कर दिखाता हूँ ध्यान से आपको, देखिए जहाँ पर ये वाइट वाइट है ना, ये सब पानी, इधर देखिए यहाँ पर डार्क टाइप का जहाँ पर है वहाँ पर पानी नहीं है ऐसे, बाकी सब पानी ही भरा पड़ा है, मतलब ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये सब इसमें पानी भर चुका है। बाकी घड़ी अभी चल रही है, लेकिन इसका टच बोले तो टच देखिए, टच कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ इसमें देखिए, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, तो कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, ऐसी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ है। क्राउन वर्किंग है, हाँ क्राउन देखिए वर्किंग है। और घड़ी की बैटरी अगर मैं चेक करूँ, मैं इसको क्या क्या, वो चार्ज की बैटरी फुल है, क्योंकि इसको ब्लूटूथ से मैं डिसकनेक्ट करके रखा हूँ, इसलिए फुल बैटरी दिखा रही है। तो ये घड़ी अगर आप लेने की सोचते हैं तो मैं तो कहूँगा कि मत ही लीजिए, कुछ थोड़ा सा पैसा लगा करके IP रेटिंग वाली घड़ी लीजिए। इसका एक और प्रॉब्लम है, इसमें रिप्लेसमेंट केबल है, यानी कि इस घड़ी को अगर आप लेते हैं तो इससे आप रिफंड नहीं ले सकते, यानी पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। मैंने रिप्लेसमेंट इसका लिया है, देखता हूँ वो जो आ रही है वो कैसी है। अभी टाइम जो हमारे पास में हो रहा है वो हो रहा है घड़ी में 11 बज रहे हैं, कुछ 12 बज रहे हैं, लेकिन इस घड़ी में अभी पता नहीं कितना बज रहा है, देखिए टाइम देखते हैं, 4:58 हो रहा है, मतलब कि 4:58 ये टाइम हो रहा है। आज मंगलवार का दिन नहीं है, आज सैटरडे यानी शनिवार का दिन है। तो ये इसको अगर अब इसके ऐप से कनेक्ट करेगा तब बताएगा, बट मैं इसके ऐप से कनेक्ट करूँ तो इसकी बैटरी बिल्कुल भी जवाब दे देगी, तो ये प्रॉब्लम है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वॉच, मतलब कि ये स्टेप काउंट है, ये अपने आप बहुत ज़्यादा काउंट कर लेता, मतलब कि बिना बिना चलाए बिना चले ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर भी काउंट कर देगा कि हाँ इतना स्टेप आपने चल दिया, तो 15,000-16,000 स्टेप इसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं अगर आप इसको ऐसे पहन लेते हैं तो। बाकी इसमें अगर मैं चेक करूँ किसी भी चीज़ की, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं BP टेस्ट कर लूँ या कोई और चीज़ की जाँच कर लें हम, तो वो सब आप कुछ मतलब समझिए सब कुछ फेक है, रियलिटी में कुछ भी नहीं। देखिए अभी टच इसका काम नहीं कर रहा, तो ये चीज़ है, ऐसे प्रॉब्लम में पड़ जाती है, मतलब शुरू में थोड़ा सा काम किया, इसके बाद से फिर देखिए काम करना बंद कर दिया। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी देखिए फिर कर रहा है, हमको थोड़ा सा इसका वो खोलना है, यानी कि अरे भाई हाँ देखिए, तो मैं चेक करता हूँ इसमें कोई रेटिंग कुछ भी चीज़। देखिए यहाँ पर टच, अब इसमें टच कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पर ये जो हो रहा है ब्लड प्रेशर की जाँच हो, देखिए यहाँ पे पीछे रेड जल रहा है सिंबल, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है। एक बार देखिएगा, ये बोलेगा नहीं कि वियर करिए, एक दिन पहले मेरा ये इसने जांच किया था और उसका दिखा रहा है। अभी क्या हुआ कि दिखाया था लेकिन ऑटोमेटिक मतलब दिखा देगा ऐसे ही, ये क्या है घड़ी कि अपने आप ही दिखा देती है, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक दिखा देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, पहले ये टच इसका सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ी सी बारिश में मैं गया था झीसा, मतलब हल्की फुल्की बारिश, उस बारिश में इसमें पानी घुस गया, तो इसको लेना आपके ऊपर है, सोचना है पहले क्या करना है। तो मैं तो सीधा बोलूँगा कि इस घड़ी को ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि 500-600 रुपये लगाना इस घड़ी को लेना, मतलब वही है केवल दिखावा। अगर आपको एकदम बिल्कुल पानी से बचा कर रखना है और बैटरी एक दिन में चल जाए, एक दिन बैटरी आपके लिए सही है, फिर आप ले सकते हैं इस घड़ी को, मैं इतना बस बोलूँगा।
अगर एक दिन की बैटरी लाइफ आपको चाहिए, एक दिन आप यूज करके सही है, सर्टिफाइड है, तो एक दिन के लिए ये ठीक ठाक, एक दिन तो चल जाएगी, एक दिन में दिक्कत नहीं है, एक दिन चल जाती है आराम से। और ये अपने आप कुछ भी खोले जा रहा है इसमें, देख रहे हैं, मैं खोल कुछ रहा हूँ, खुल कुछ रहा है इसमें अपने आप। इसका जो टच है वो अनरिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल अपने आप काम कर रहा था, ऐसी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये घड़ी है, ये बिल्कुल ही सही से काम नहीं कर रही, बस मतलब ये है कि ले लिया गया है, हम सोचे कि अच्छी खासी चलेगी, लेकिन अभी चल नहीं रही। इसका आज रिप्लेसमेंट का है, इसमें इसी के एप्लीकेशन में मतलब ये कनेक्ट है, तो इसमें ऐप का मैसेज आया होगा, इसमें शो हो जाएगा, मतलब कि जो मैसेज है ना इसमें आप रीड कर सकते हैं। देखिए एक बार, मैं एक बार फिर से देखिए, चालू तो हो गया, चालू नहीं हो तब से, ये कुछ देर तक ऐसे करेगा, उसके बाद से लास्ट में क्या करेगा, ये BPM दिखा देगा, देखिएगा। 1 मिनट पहले मैंने किया था, दिखाया था 119, देखिए अभी भी दिखा दिया ना, 115/84, यानी कि 115/84। ये घड़ी में, घड़ी को बिना वियर किए दिखा दिया, मतलब कि घड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, ऐसी इसकी प्रॉब्लम है। तो इसको आप मतलब इस तरीके हेल्थ के लिए लेंगे तो बिल्कुल भी बेकार है, बाकी कुछ और करने के लिए भी बेकार ही है, मतलब यूज लायक नहीं है। थोड़ा सा पानी चला जाए तो फिर दिक्कत, कम से कम IP67, IP68 रेटिंग हो या उससे भी कम रेटिंग हो तो कम से कम चलता है। अभी स्प्लैश प्रूफ भी नहीं है ये, देखिए अभी 315 स्टेप दिखा रहा ना, कुछ देर बाद आप देखिएगा ये जो स्टेप है 316, 317, 318, देख रहा ना 318 स्टेप हो चुका है इसमें। अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा 318 क्या हो जाएगा, 318 से वो कहीं देखिए अभी बढ़ रहा है अपने आप, 318 था ना, 322 हो चुका है, और कुछ देर बाद अपने आप ये क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। अगर घड़ी रख भी देंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ के कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये इस घड़ी का है। तो अब तो ये घड़ी जा रही है, देखें जो आरती है वो कैसी होती है। बस इसके बॉक्स में क्या क्या है, वही चीज़ है, एक चार्जिंग है, मतलब एक केबल है, एक घड़ी है, और दो ये स्ट्रैप है, बस इतना ही चीज़ें हैं, और एक यूज़र मैनुअल है बिना मतलब का। तो ये चीज़ है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो मैंने बताया वो सोच समझ के आप लीजिएगा। इसकी बैटरी एक दिन चल पाएगी, जो भी हेल्थ टेस्ट है वो सब कुछ बेकार है। वाटर पानी से बचा सकते हैं तो खरीदिएगा, नहीं तो पानी में थोड़ी सी भी पानी में जाएगी, पानी इसमें चला जाएगा। बारिश हो रही थी, मैं उसमें गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, जबकि मोबाइल मेरा कैमरा, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मोबाइल मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था हेलमेट में, फिर भी इसमें पानी घुस गया, मोबाइल में पानी नहीं घुसा, तो ये प्रॉब्लम इसमें है। चलिए तो मिलते हैं नई वीडियो में, तो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड बाय बाय।